चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल छठ पूजा की पहली अर्घ है। छठ पूजा के शुभ अवसर पर पारंपरिक तौर से जो हमारे बिहार और यूपी में ठेकुआ प्रसिद्ध है, जो बनाई जाती है, आज हम आपके साथ वही शेयर करने जा रहे हैं। बिल्कुल बनाना आसान है और खाने में तो टेस्टी है। जो लोग जिसके यहाँ होती है वो भी बना सकते हैं, जिसके यहाँ अगर नहीं भी होती है इसे बना के आप स्टोर करके जो आप भी खा सकते हैं और मेहमानों को भी खिला सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले देख लेते हैं हमें इसमें किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे तो हमने इसकी रेसिपी एक बार पहले डाल चुकी हूँ, बहुत सिंपल तरीके से जो त्योहारों में बनाया जाता है। आज थोड़ी हम अलग बना रहे हैं, कुछ अलग तरीके से। तो चलिए, हमने यहाँ लिया है 2 कप गेहूँ का आटा। कई लोग इसमें मैदा भी यूज कर सकते हैं, तो 2 कप आटा की जगह हम यहाँ पर 1 कप सूजी लिए हैं। बारीक वाली हो मोटी वाली चलेगी, कोई बात नहीं। वहाँ हमने 1 कप चीनी लिए हैं और 1 कप दही लिए हैं। ये दही खट्टी नहीं है, ताजी है। और नारियल डाले हैं यहाँ। आप नारियल का डेसिकेटेड पाउडर है उस, यहाँ आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे ड्राई फ्रूट? आप बादाम काजू को जितने भी हैं उसको ग्राइंड कर लेंगे। हम यहाँ स्किप कर रहे हैं। और टेस्ट अकॉर्डिंग जाएगी इलायची का पाउडर। और हमने कुछ तिल लिए हैं, सफ़ेद तिल। इसको हम आधी पीस के डालेंगे और आधी हम कोट करने के लिए रखेंगे, ताकि एक टेस्ट फ्लेवर आ जाए अच्छा का और खाने में बहुत टेस्टी लगे। चलिए, हमने सिर्फ पहले हमने लिया है एक बड़ा सा बर्तन, उसमें हम 2 कप आटा डाल देते हैं। 1 कप हो गई। चलिए, 2 कप आटा हमने लगा दिया। तब तक हम क्या करेंगे, इसी बाउल में हम यहाँ पर चीनी को ही डाल देंगे। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, जितना आपको लगे। हम दही चीनी से ही इसे मिलाएंगे। पिछले बार जब मैंने बनाया था तो हमने दूध से इसको मिक्स डाला था, तो आप दही चीनी इतना। और अब जब हम चीनी डालेंगे ना, थोड़ी देर के लिए इसे कैरमलाइज होने देते हैं, ताकि हमें इसी से आटा मिलाएंगे। ध्यान रहे, अगर ये बच जितना लगेगा तो लग जाएगी, लगेगा इट्स ओके। अगर नहीं लगती है तो आप बाद में दही चीनी खा भी सकते हैं इसे। ऐसा नहीं कि हम मेजरमेंट, तभी मैं मेजरमेंट नहीं बता रही हूँ आप। अब हम यहाँ इलायची का पाउडर डाल देंगे और नारियल डाल देंगे और हम सूजी डाल देंगे। चलिए, जब तक ये दही जो है हमारी घुल रही है, तब तक हम क्या करेंगे, हाफ तिल पीस लेते हैं मिक्सी में। जिसके पास मिक्सी नहीं है वो साबुत तिल भी डाल सकते हैं। हम यहाँ मिक्स तिल डाल के इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसका फ्लेवर जो है ना बहुत ही अच्छा आएगा। बिल्कुल हमने ड्राई करके ही इसे मिक्स कर लेना है। अब हमारी जो चीनी और दही है उस वो मेल्ट हो चुकी है। अब क्या करना है आपको, थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसको मिलाना है। एक आटा जैसे रोटी का बनाते हैं ना, सख्त डो उसके उतना ही गूंदना है। पहले थोड़ा सा डालिए और थोड़ी थोड़ी करके मिलाइए। आप देख पा रहे हैं सारा दही लग ही गया, इसका मतलब है उतना ही आपको दही लगाना है। अब आप अगर ज़्यादा दही ही डाल देंगे तो ये गीला हो जाएगा आटा। अब इतना ड्राई में इसको इतना मिक्स करना है ताकि एक डो के फॉर्म में आ जाए। सख्त डो लगाना है, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं, बहुत ज़्यादा इसको टाइट भी नहीं। चलिए, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस प्रकार है, आप देख पा रहे हैं ना। इतना ही आपको सख्त डो लगाना है। अब थोड़ी सी मिक्स कर लेते हैं फिर बनाते हैं। अब कुछ करना नहीं है, एक छोटा हाफ हाफ डिवाइड कर लीजिए। इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से पोंछ लीजिए और इसको एक लंबा और चकोर शेप दे दीजिएगा। आज मैं आपको ऐसे बताऊंगी जो कि बिना साचा का भी आप बना सकते हैं। इसको थोड़ी सी इस तरह कर लीजिए, इस तरह आपको चकोर बना लेना है, कुछ इस प्रकार, इस तरह करके। और बिना साचा का हम बनाएंगे। हम दही जो डालते हैं इससे क्रिस्पी हो गया। आपने देखा कि दही घी के जगह काम किया दही ने। और हम टाइट इसलिए गूंथते हैं इसको
ताकि ये क्रिस्पी बने, एक खस्ता बने खाने में, ताकि कुरकुरी लगे। चलिए इस तरह आपको सरफेस को कर लेना है, बस एक थोड़ी सी थिकनेस के आकार का इसके धीरे धीरे आपको काट लेना है, बहुत जल्दी नहीं काटना है, एक थिकनेस में इस तरह ऐसे करके आपको सभी को काट लेना। अब सभी को साइड में रखिए, एक उठाइए और थोड़ा सा इसको हल्का सा प्रेस कीजिए, बस जैसे रस रहता है ना जो टोस्ट खाते हैं उसी आकार में आपको करना है। और उसके बाद जो हमने तिल लिया है सफ़ेद, इसमें एक अच्छी कोट दे देंगे ताकि दिखे भी, और हम पीस के डालें तो खाने में तो टेस्टी लगना ही लगना है। ठीक है, चलिए सभी को इसी तरह हम तैयार कर लेते हैं। चलिए हमने सभी बनाकर तैयार कर लिए हैं, आप देख पा रहे हैं। अच्छा, जो लोग को लगे कि तिल नहीं है वो लोग स्किप करेंगे, लेकिन तिल का स्वाद अच्छा होता है। और तो अगर दही से नहीं मिलाना चाहें तो वहाँ घी का इस्तेमाल करेंगे, तभी भी ठेकुआ अच्छा बनेगा। चलिए बढ़ते हैं गैस की तरफ। हमने लिया है रिफाइंड ऑयल, आप यहाँ सरसों नहीं लेंगे, यही तेल लेंगे, और तेल थोड़ी सी इतना लेंगे कि ताकि हम जब ठेकुआ को तलें तो उसे हम डीप उसमें डूब जाए। और तेल को हम मीडियम फ्लेम पे हम इसे गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा धुआंधार गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, मीडियम पे करेंगे। चलिए गर्म होता है तब फिर तलते हैं इसको। तेल हमारा गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा करेंगे तो हाई फ्लेम पे जल जाएगी और बहुत कम करेंगे तो वो फूल जाएगी, इसलिए गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। धीरे धीरे जितना आए, हमने पहला वाला बर्तन लिया इसीलिए ताकि एक साथ में ढेर सारा आ सके और हम आसानी से उसे पलट सकते हैं। जब आप डाल लें तो इसे एकदम से तुरंत ना पलटाएं, लगे थोड़ी सी हल्की हल्की ब्राउन हो रही तो उसको सावधानीपूर्वक स्पून की सहायता से इसे पलट दें। आपने देखा कि तिल जो है हमने डाला ऊपर से तो सारे तिल इसमें तैरने लगा, कोई बात नहीं, तभी हमने पीस के डाला था, इसके पीसे हुए तिल नहीं तैरेगा, इसका फ्लेवर आ जाएगा। साइड हो चुकी है, अब हम इसे सावधानीपूर्वक निकाल लेते हैं साइड करते हुए, ताकि इसका तेल जो है एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं। अगर लगे कि बहुत लगे कि मेरा जल रहा है तो गैस को आप स्लो करते हैं। इसी तरह सेकंड बैच भी डाल के तल लेते हैं। जब भी आपको इसको निकालें ना तो सावधानीपूर्वक निकालें, क्योंकि सावधानीपूर्वक इसके, क्योंकि वो दही जो हम डाले हैं या घी भी डालेंगे तो क्रिस्पी हो चुकी है, ये टूटने का चांस ज़्यादा रहता है, और थोड़ी देर जब ये ठंडा होता है तभी इसमें पावर आ जाती है। चलिए सेकंड बैच भी हमारा बनकर तैयार हो गया, अब हम सभी को इसी तरह निकाल लेते हैं। चलिए हमने इसको तल के पूरा रख लिया, लेकिन अभी हम इसे थोड़ी देर के बाद ही सर्व करेंगे, इसलिए जब आप स्टोर करेंगे इसको तो कोई भी एयर टाइट डब्बा में तब रखेंगे जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी, ठंडी होगी तभी ये क्रिस्पी बनेगी। और इसको हवा थोड़ी देर के लिए लगने दें, बहुत ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 से 10 मिनट, और उसके बाद अगर तुरंत आपने इंस्टेंट डब्बे में डाल दिया तो क्या हो जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, इसलिए इसको थोड़ी देर के बाद हम इसे सर्व कर लेते हैं। चलिए हमने इसे सर्व कर दिया है और काफ़ी क्रिस्पी बनी है। आप हालांकि जो छठ पूजा में बनती है वो वहाँ चीनी की जगह गुड़ का भी दादी लोग प्रयोग करती थी, आप यहाँ बिहार झारखंड यूपी का खास जो है यह प्रसिद्ध माना जाता है ठीक, जिसको कि बहुत महापर्व जो है ये मनाया जाता है पवित्र तरीके से पारंपरिक तौर में। और ठेकुआ काफ़ी साफ सफाई से गेहूँ के आटे और सूखे नारियल और घी से इसका जो बनाया जाता है ठेकुआ, दादी सब बनाती थी, तो आप यहाँ चीनी के जगह आप गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं, गुड़ का भी क्रिस्पी बनी है। जो लोग इसे छठ पूजा के अवसर पर नहीं बनाते ऐसे ही बना सकते हैं तो दही का इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए इसी तरह बनाइए और इस छठ महापर्व के छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं, और हाँ साथ में बेल आइकॉन